नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज में। और मैं अभी सिवान बढ़हरिया जो मुख्य मार्ग है वहां मौजूद हूं, जहां पे एक घटना हुई थी ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर, जिसके बाद से रोड जाम किया गया था। तो अभी जाम हट गया है प्रशासन के आश्वासन के बाद से। तो लोग जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ हुआ था वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनील सिंह कुशवाहा पड़ेगा जी, और मैं इसी क्षेत्र का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। तो देखिए, एक लड़का आ रहा था बढ़हरिया साइड से और ट्रक था जो गोरुमाल लादने वाला। ये जो रोड है सब प्रशासन का चूक है, जो भी कहा जाए प्रशासन का चूक है। यहाँ जो यहाँ कुणवा से लेके और करबाला के बीच में ये जो एक्सीडेंट जोन बन चुका है, ये हरदम के लिए, हरदम यहाँ एक्सीडेंट होता है। यहाँ प्रशासन को एक हरदम के लिए यहाँ बैठाना चाहिए कि स्पीड नियंत्रण पर अपना ध्यान दे। और प्रशासन मैंने आया, लोग जाम किए थे, आश्वासन दे के गया है कि क्या कुछ आश्वासन मिले, आश्वासन ही दे के गया है। हम लोग देखिए, हम लोग मांग किए थे कि गाड़ी छोड़ना, किसी कारण गाड़ी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन प्रशासन भी ये बोल के गया कि हम गाड़ी अपने कब्जे में रखे हुए हैं, ड्राइवर को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, अगर गाड़ी छोड़ देगा तब तो जो हम लोग 5 लाख रुपये के लिए मांग करते हैं आपदा विभाग से, वो तो नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी है तो सीओ साहब बोल के गए हैं कि गाड़ी हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और उसका जो भी डिटेल्स होगा हम डिटेल्स भर के देने का कार्य करेंगे और डिटेल्स देंगे तो हम लोग आगे के। क्या लगता है जो प्रशासन आश्वासन दिया है क्या वो कायम रहेगा, वो मिलेगा? अगर प्रशासन जो आश्वासन दिया है अगर वो आश्वासन पे नहीं उतरता है खड़ा, तो हम लोग फिर एक रोड जाम करेंगे और भारी मात्रा में जाम करेंगे इधर दम रास्ता को। जो घटना हुआ था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या कुछ कैसे, मतलब क्या किसकी गलती थी? देखिए, वो तो ट्रक की गलती थी, वो लोग जो उस पर लादने वाला जो तस्करी वाला लोग थे तो लादने वाला कार था, तो जाहिर सी बात है कि वो नियंत्रण भी नियंत्रण के गाड़ी लेके चलते हैं, आप पूरा लेके चलते हैं अड्डी वाला गाड़ी था। घटने स्थल पर ही मृत्यु हो गई है, उसको आप देख लीजिएगा तो देखने के लायक नहीं था, जो लाश था वो देखने के लायक नहीं था। अच्छा, आइए और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि एक प्रशासन हरदम के लिए यहाँ बैठा है, एक बैरियर का भी व्यवस्था करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ RCH स्कूल भी है इधर, यहाँ भी एक स्कूल है और यहाँ चरमोहानी पड़ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए यहाँ बैरियर और ठोकर से तो हो जा सकता है, ठोकर से नहीं, यहाँ बैरियर एक पुलिस को जो गाड़ी नियंत्रण में चले कम से कम। गाड़ी पहले भी ऐसी घटना हुई थी, बहुत विषम घटना, परसों भी घटना हुआ, फिर से हो गया, अभी फिर से यहाँ पे गाड़ी एक लड़ गया अभी। आइए हमारे साथ चाचा है, क्या कैसे घटना तो हुआ है? ट्रक से लगा हुआ है, ट्रक पहले बीच में चला रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ तो नियंत्रण खो गया, ड्राइवर लिया का लड़ा दिया पुल में, पुल में लड़ाया, गाड़ी रोक, उसके बाद ड्राइवर उतारा, ये लोग घर में छुपाया, जान बचाया उसका, फिर पुलिस आया, पुलिस का हवाले कर दिया। हाँ, उसके पास से डेड बॉडी उठा करके पंचनामा वंचनामा कुछ नहीं बनाया पुलिस, किसी से राय भी नहीं लिया, भेज दिया अस्पताल, उसके पास से अस्पताल लाश यहाँ से गया, उसके बाद से गाड़ी भी लेके चला गया, गाड़ी लेके चला गया, उस पर से बोला कि थाना में कुछ लोग बोलते हैं कि वो कसू वाला गाड़ी है, उसको अड्डी पर चला गया है। क्या लगता है जो प्रशासन आश्वासन दिया है उस पर कायम रहेगी प्रशासन? तो यहाँ आश्वासन दिया, वो बोला कि हम दिलवाएंगे, लेकिन अब थाना पर बुलाया, अब क्या वहाँ थाना से निर्णय निकलता है? हाँ, अब तो घर का जो हो बताएगा सब सब प्रशासन। देखिए, हम लोग पोस्टमार्टम ले जाकर करवा रहे हैं, श्रीनिवास नेताजी हमारे जो अदर्थ हैं वो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम जो आता है तो हम लोग जाके थाना में थानेदार को मैंने वहाँ FIR करेंगे, गाड़ी के नामजद भी FIR करेंगे हम लोग, और प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक बैरियर जरूर बैरियर दे थानेदार बैठा, प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर से रोड जाम करेंगे लोग, भारी मात्रा में जाम करेंगे लोग, एकदम पूरा क्षेत्र के लोग आएंगे और जाम करेंगे हम लोग, अगर जो प्रशासन आश्वासन दिया है उस पर नहीं खड़ा उतरता है तो। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, यहाँ धनील कुशवाहा थे, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर प्रशासन जो कानूनी प्रक्रिया के लिए किया गया है यहाँ पे आश्वासन देकर गई है, अगर उस पर कायम नहीं रहती है तो फिर से घटनास्थल पर जाम किया जाएगा। और यहाँ पे ठोकर की भी मांग कर रहे हैं लोग, और जो बैरियर होता है उसकी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। बने रहिए, तमाम अपडेट के साथ हम बने हुए हैं, इसकी आगे की भी जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए, शुक्रिया।